हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए भिमानी की बहुत ही फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया मैंने तवा, तो तवे के अंदर डाल देंगे हम ये बटर और इसको अच्छी तरीके से होने देंगे, पहले मेल्ट यानी कि पिघलने देंगे इसको। अब बटर अच्छी तरीके से हमारा मेल्ट हो चुका है, तो इसके बाद हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को मैंने बारीक अच्छी तरीके से कट कर लिया है, एक मीडियम साइज की प्याज ली है। इसको हल्का सा हम इसके अंदर रोस्ट कर लेंगे, यानी इसका हल्का कलर चेंज करना है, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं करना है। तो प्याज हमारे अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं, तब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर भी मैंने एक मीडियम साइज का लिया है, अब इसको भी हम अच्छी तरीके से पका लेंगे इसके अंदर। तो टमाटर भी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तब ये ले लिए मैंने मक्का, तो इनको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था, तो अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये मैंने एक कटोरी ली है और इसके अंदर अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो मक्के हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तब इसके बाद हम डाल देंगे मिर्ची के पाउडर। तो ये मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आधा चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे टेस्ट मेकर, यानी जो मैगी का आता है, मैगी मसाला भी आता है, टेस्ट मेकर भी आता है। तो ये मैंने मैगी का मसाला लिया है और फिर इसके अंदर डाल देंगे किचन किंग का मसाला, तो ये भी मैंने एक चम्मच लिया है। और फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसमें नींबू का रस और लास्ट में हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटो सॉस, तो ये मैंने डेढ़ चम्मच लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो सभी मसाले हमारे इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और ये बनकर तैयार है। तो अब मैं करूँगी इसको गर्मा गर्म सर्व। तो हमारी भिवानी की फेमस मक्का फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।